मुझे पानी आ रहा है, लाल लाल चटनी आ। सो हे गाइस, तो आज हम लोग डीमार्ट गए थे, तो हम लोग ने डीमार्ट में क्या लिया? ये हमने लिया है परसोमा का मोमोस, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पर्पल 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 पर्पल, मुझे पता नहीं था पर्पल मैंने पहन लिया बस। तो है ना, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम लोग कल दीपाड़ी गए थे ना, तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे, तो हम लोग ने देखा कि फ्रोजन काफी सारे सामान थे, और हम लोग देखे कि सब जन यूट्यूबर है, वीडियो बनाते हैं इसका, तो हम सोचे कि ना हम लोग भी ट्राई करते। ऐसे तो कभी ट्राई नहीं किया फ्रोजन वाले, इस बार पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ने देखा परसों का थोड़ा सा सस्ता था, तो हम लोग चलो थोड़ा सा यही ले लेते, ये वाला ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच परसों वाले, आपने इतना सा तो सस्ता रखा है हम लोग के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम लोग ने ये वाला ले लिया, और इसमें कुछ 24 पीस दिए हैं, ऐसे 3 मिनट में रेडी होता है। और ये चीज स्पाइसी वेज फ्लेवर लिया हम लोग ने, और इसको ना आप स्टीम भी कर सकते हो। इधर बताया पैन फ्राई है, फिर डिप फ्राई भी है, एयर फ्राई भी है। तो हम लोग बस दो ही चीज कर सकते हैं, डिप फ्राई भी कर सकते हैं, पैन फ्राई भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते, तीन कर सकते हैं। एयर फ्रायर नहीं है तो नहीं कर सकते। वाह दीदी, तो इसके अंदर देखते 24 पीस बोला, सच में 24 पीस है कि नहीं, तो आइए काउंट करते हैं। तो ये हमारे 24 पीस है, मैं काउंट कर लिया, तो प्लेट में रखते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, कुछ टूटे भी नहीं, अच्छा लुक दिया यार। और साथ में ये है ना ओरिजिनल मोमो चटनी है, तिक्की वाली। तो इसमें 4 दिए हम लोग, कितने जने? 5 जने। चल एक जो कजन को नहीं देंगे चटनी, बाकी हम लोग खा लेंगे। नहीं लेने का, अपुन है ना। तो आइए इसको ट्राई करके बना के, मैं इसको ना दो तरह से करने वाला, एक तो स्टीम करने वाला, और एक मेरी बहन ने बोला है पैन फ्राई करके देखते कैसा लगता है, तो वो भी करेंगे। तो वाह दीदी वाह दीदी, टेस्ट कैसा लगेगा अब वीडियो में बने रही, और वीडियो पूरा देखना एंड तक, और प्लीज लाइक भी कर देना, इतना महंगा खरीदा ना इसलिए। तो रेडी हो गया हमारा मोमोज, तो मैंने थोड़ा सा मोमोज स्टीम किए और थोड़ा सा फ्राई किए, देखती कौन सा बेटर लगता है। और मैंने आपको इसका प्राइस बताना भूल गई थी, ये कुछ 325 रुपये इसके ऊपर रेट लिखा था, बट डिमांड में तो पता है थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, तो सस्ता मिला, बट मेरे को आइडिया नहीं ये चुपे नहीं मिला कि मेरा ध्यान से हट गया था कितने का है, तो सस्ता ही है, इससे कम ही 325 से कम ही है। तो मैं अब इसे ट्राई करेगा, और ये चटनी जो हमें मिला था मतलब चख भी ली, मस्त चटनी लग रहा है, मुझे पानी आ रहा है, लाल लाल चटनी आ। बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। देखो ये चटनी ना गिर जाए, अच्छा लग रहा है। और कौन सा बेटर बताती हूँ, स्टीम वाला, स्टीम वाले जितना टाइम बचा था उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, जो चीज दे रहे ना एक नंबर किया। मुझे परसों वो इतना अच्छा लगा, ठेले वाले भैया लोग बनाते थे तो काफी अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये सब चीजों में, पैकेट वाला अच्छा रिव्यू मिला है, रिव्यू इसका रिव्यू में सच में बोलो काफी अच्छा है। आप इसमें 10 से देना पड़ेगा, मैं 9 पॉइंट दे सकती हूँ इसको, तो मुझे फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे ये तो अच्छा लगा। अब इसके आगे भी अलग अलग कंपनी भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मुझे दोनों ही मोमोज अच्छा लगे, स्टीम भी अच्छा लगे और फ्रेंच फ्राई भी अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी अच्छा लगे तो अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक दे देना, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत से बनाई थी, गर्मी में पंखा बंद करके वॉइस देना पड़ता है। तो ओके बाय बाय, नेक्स्ट टाइम के कौन सा हम लोग बनाने वाले, किस पर बनाएंगे, ओके बाय बाय।